चलिए बुलेटिन की शुरुआत उस खबर से जिसने पूरी दुनिया में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है। यूएन जनरल असेंबली के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उरी हमले पर पूछे गए सवाल से बचते नजर आए। पत्रकारों के सवाल पर नवाज शरीफ ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार पाकिस्तान इस हमले पर बोलने से क्यों बच रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। बेशर्म पाकिस्तान का आतंकवाद प्रेम, भारत में शहीद जवानों पर हुए हमले पर क्यों नहीं बोले नवाज शरीफ। यूएन में फिर पाकिस्तान का कश्मीर राग। उरी में आतंकियों के हमले के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर से अमेरिका के सामने कश्मीर का राग अलापा है। कश्मीर में हिंसक माहौल पैदा करने वाले पाकिस्तान ने अब खुद अमेरिका से मदद मांगी है। आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान ने कश्मीर में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन का मुद्दा उठाया और कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच के तनाव को खत्म करने के लिए अमेरिका को दखल देना चाहिए। हालांकि भारत के सख्त रुख के बाद यूएन जनरल असेंबली के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उरी हमले पर पूछे गए सवाल से बचते नजर आए। पत्रकारों के सवाल पर नवाज शरीफ ने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी 26 सितंबर को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में बोलेंगी। सूत्र बताते हैं कि सुषमा स्वराज उरी हमले में पाकिस्तान के हाथ होने के निशान बताएंगी और जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए जिम्मेदार भी ठहराएंगी। सुषमा स्वराज को विदेशों में हर अहम मिशन को सबूतों और दस्तावेजों के जरिए पाकिस्तान की असलियत सामने लाने की जिम्मेदारी दी गई है। यानी अब अहम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सबूतों और दस्तावेजों के जरिए पाकिस्तान पर हमला बोला जाएगा। हालांकि सुषमा सोमवार को हुई किसी भी हाई लेवल बैठक में नजर नहीं आई, लेकिन अब ये साफ है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बेनकाब और अलग थलग करने की पूरी तैयारी है। इधर उरी में भारतीय सेना पर हमला पाकिस्तान ने किया, इसका पक्का सबूत भारत के पास है। उरी आर्मी कैंप में मारे गए आतंकी जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आर्मी कैंप पर हमले के लिए इन आतंकियों को कमांडो ट्रेनिंग मिली हुई थी। इनके पास से मिले हथियार और सामान सब कुछ मेड इन पाकिस्तान है। जैश ए मोहम्मद का आका मौलाना मसूद अजहर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से ही भारत में हमले की साजिश रच रहा था। भारत के अहम ठिकानों पर हमले के लिए जैश ए मोहम्मद ने आतंकियों की भर्ती और ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान में कई सेंटर बना रखे हैं, जिसकी जानकारी खुफिया एजेंसियों ने काफी पहले गृह मंत्रालय को दी थी। फिलहाल दुनिया में आतंक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री मोदी भी अपने विदेश यात्राओं के जरिए ताकतवर देशों और नेताओं के काफी करीब हैं। लेकिन ये वक्त अग्नि परीक्षा का है कि क्या बाकी देश भी भारत के साथ खड़े होकर पाकिस्तान पर दबाव बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। सोमवार को भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के 33वें सत्र में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर निशाना साधा। भारत ने कहा है कि हिंदुस्तान लंबे वक्त से आतंकवाद से पीड़ित है, जो कि हमारे पड़ोस में पैदा हो रहा है। कश्मीर में हिंसा का मूल कारण पड़ोसी देश से आया आतंकवाद है, जिसे पाकिस्तान बढ़ावा देता है। पड़ोसी देश द्वारा फैलाया गया आतंकवाद इतना क्रूर है जो कि नागरिकों और बच्चों का भी इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाता। UNHRC के 33वें सत्र में भारत ने कहा कि हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन की पाकिस्तान में रैलियों का एक ही मतलब है कि इस तरह के लोगों और संगठनों को सक्रिय समर्थन। भारत के साथ मुद्दों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करके पाकिस्तान को खुद को आतंकवादियों से मुक्त बनाना चाहिए और हम इस काउंसिल के जरिए पाकिस्तान से आग्रह करते हैं कि वो सीमा पार से घुसपैठ रोके और आतंकवाद के केंद्र के तौर पर काम करना बंद करे। साथ ही POK से अवैध कब्जा खाली करे। भारत ने UNHRC में कहा है कि बलूचिस्तान समेत
पीओके और पाकिस्तान के अन्य भागों में मानवाधिकारों के उल्लंघन का क्षेत्र की स्थिरता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।